पीएम मोदी अमेरिकाना ऐतिहासिक प्रवासे प्रधानमंत्रीना 9 वर्षमां पहेलो अमेरिकानो राजकीय प्रवास छे। आज विश्व योग दिवस की उजवणीमां तेवो भाग लेवाना छे। यूएनना मुख्यालयमां हाजरी आपशे प्रधानमंत्री मोदी। भारत माटे खूब ज महत्वनो छे आ प्रवास। बंने देश वच्चे महत्वपूर्ण संरक्षण डील थशे। प्रधानमंत्रीनी अमेरिका मुलाकातथी भारे उत्साह। भारतीय समुदाये प्रधानमंत्री मोदीनुं शानदार स्वागत कर्युं छे। न्यूयॉर्कनी हडसन नदी पर 250 फूट लांबु बेनर फरकाव्युं। भारतीय डायस्पोरानां सभ्ये जैकेट पर छपावी प्रधानमंत्रीनी तस्वीर। मिनेश पटेले पोताना जैकेट पर छपावी छे तस्वीर। मोदी बाइडन वच्चे थशे महत्वपूर्ण मुलाकात। बाइडनना स्पेशल गेस्ट तरीके अपाशे हाजरी। ज्यां मोदीना मानमां बाइडने कर्युं छे डिनरनुं आयोजन। पीएम मोदी अमेरिकन संसदने पण संबोधित करवाना छे। प्रधानमंत्री मोदीना अमेरिका प्रवासथी भारतीयोमां उत्साह। अमेरिकामां तैयार कराई छे मोदीजी महाराजा थाळी। प्रधानमंत्री मोदीना सन्मानमां तैयार कराई खास थाळी। आगामी 5 दिवस सुधी थाळी पर 10% डिस्काउंट। न्यू जर्सीना सेनेटर पर भारतनी करी रह्या छे प्रशंसा। झी न्यूज साथे न्यू जर्सीना सेनेटरनी खास वातचीत। भारतना लोकतंत्र अने प्रधानमंत्री मोदीना वखाण कर्या। भारतना लोकतंत्रथी समग्र विश्वने मळे छे शीख। सात समंदर पार अमेरिका में समोसा चाय और साथ ही तमाम भारतीय लोग जो अपने देश से आकर अमेरिका में बसे हुए लेकिन इनका दिल आज भी भारत में ही बसता है और इसीलिए देखिए तिरंगा यहां पर आपको लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। चाय जो कि देश के अपने हर कोने में आपको जब चर्चा करनी हो लोगों से लंबी बात करनी हो तो चाय की चुस्की जरूरी होती है और समोसा तो आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियली एक तरह से राष्ट्रीय व्यंजन भी कुछ लोग इसको मान लेते हैं और इसीलिए आप देखिए अमेरिका में भी आपको समोसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मैडम से क्योंकि मुझे इनके बारे में पता चला है कि इनका नेपाल से भी कनेक्शन है और भारत से भी कनेक्शन है लेकिन क्या ये सोचती हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। इन्होंने कुछ मंत्रों के द्वारा हमें भारत के बारे में बताने के लिए कहा है मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। तो मोदी जी जब यहाँ पहुंच रहे हैं आप कौन सा वो मंत्र आप सुनाना चाहती हैं? मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो बढ़े चलो रुको नहीं कभी थको नहीं कभी थक जाओ ये मेरे शब्द हैं थक जाओ चरवेती 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 यही मोदी जी का यही मंत्र है चर वो ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं वो सिर्फ चलते रहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम भारत में पले बड़े हैं और हमारा दिल हृदय सब भारत में। दूर वतन की मिट्टी से आए हैं हम जरूर लेकिन दिल अपना जो है हिंदुस्तानी बनाए बैठे हैं। तन मन से और धन से सबसे समर्पित हैं हम अपनी मातृभूमि के लिए। कर्म भूमि में आए जरूर हैं पर मातृभूमि के लिए हमेशा तैयार हैं। जब उद्घोष होगा तब हम जाएंगे अपने देश के लिए और जितना हो सकेगा यहीं से भी करेंगे अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर होंगे तो उनकी अपेक्षाएं क्या है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे जी मीडिया न्यू जर्सी अमेरिका। तो अमेरिकामां तैयार करवामां आवी छे मोदीजी महाराजा थाळी जना पर आगामी 5 दिवस सुधी 10% डिस्काउंट मळवानुं छे। न्यूजर्सीना सेनेटर पण भारतनी प्रशंसा करी रह्या छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हर भारतीय अपने अलग अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम पहुंचे हैं अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में जहां पर एक इंडियन रेस्टोरेंट चलाने वाले तिलक राज अरोड़ा ने एक खास थाली जो इनके यहाँ महाराजा थाली के नाम से जानी जाती है उसे इन 5 दिनों के लिए उसका नाम बदलकर मोदी महाराज थाली रखा है और इसके पीछे वजह क्या है। अरोड़ा साहब इस थाली को आपने क्या नाम रखा है और क्या सोचकर रखा? पहले तो इसे हम केसर महाराजा थाली के नाम से चला रहे हैं पर मैं कुछ शब्द मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा। तो ये जो महाराजा थाली है मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। आज से अभी से मैं इसको श्री मोदी जी महाराजा थाली का नाम देना चाहता हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं भी एक सैनिक रह चुका हूँ, मैं भी एक भारतीय मूल का आदमी हूँ, मेरे में भी देशभक्ति है और हम सब NRI में भी, इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं हमारा भी फर्ज बनता है, इसलिए मैं अपने भारतीय होते हुए मैं जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें सब 15 तरह की सब्जीज हैं और उसमें मिक्स ब्रेड है, पाव भाजी, चना भटूरा, छाछ, डिजर्ट, ये सब इसमें इंक्लूड है, एपेटाइजर भी है, 4 आदमी खा सकते हैं, हम 4 आदमी को अलाउ करते हैं, इसलिए इसका नाम महाराजा थाली रखा गया है। इसको लोग बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। इसका रेट क्या है आपके? 84.95 है डॉलर। हाँ जी, तो आपने मोदी जी के नाम पे थाली तो रख दिया, कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं क्या लोगों को? जी, अगले 5 दिन में जो भी यहाँ आएगा और जो कहेगा कि मोदी जी थाली खानी है तो मैं उसे अपनी तरफ से 10% का डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ही हम NRI को जो है एक बहुत अच्छी पहचान मिली है, भारत को पूरे वर्ल्ड में एक बहुत हाई लेवल पे वो लेके आए हैं, हमें बहुत खुशी होता है। यहाँ पर इन्होंने पहले ये केसर महाराजा थाली के नाम से इस थाली को यहाँ पर अपने ग्राहकों को पेश करते थे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के लिए इसका नाम मोदी महाराज थाली रख दिया है और खास तौर पे 10% की छूट देने का भी ऐलान किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडियंस यहाँ पर मौजूद हैं उनके बीच कितना ज़्यादा उत्साह है और कितना ज़्यादा यहाँ पर PM मोदी के आने का इंतज़ार है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं तिलकराज अरोड़ा जी, तो इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ये देखते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, न्यू जर्सी, अमेरिका।